हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो डार्क डेविल इज हियर। तो आज कोई भी मैं आपको गेमिंग न्यूज वगैरह नहीं देने वाला हूँ। इट मींस आज की जो वीडियो है वो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, जो मेरे करियर पर बेस्ड है। कैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, कैसे मैंने 365 डेज का चैनल स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पर आज एंड किया है, और आज मैं आपको मेरी स्टोरी टेल करूंगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। 2K का टारगेट है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा देना। So guys, without wasting any more time, let's get started. So let's begin in the video. So, देखो ये सब स्टार्ट होता है 12 फरवरी 2018 को, जब मैं एक वेडिंग में गया था, जहां पर मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया था, जहां पर मैंने 2-3 सॉन्ग्स डाले थे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो बनाया था एक दिन बाद, जिसका टाइटल था कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज ऑन मोबाइल। ठीक है, यूट्यूब से आप कैसे मोबाइल वीडियोस डाउनलोड कर सकते। और मेरे जो चैनल था पहले टैग कैटेगरी का था, मैंने मतलब 2018 से लेके 2020 तक मैंने इस चैनल को टैग पे ही रखा था, टैग पर इसको जिंदा रखा था, और उस टाइम पे इतना कुछ खास सब्सक्राइबर भी नहीं थे। और 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो भाई मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं, और मैं चाहता था कि मैं कुछ गेमिंग कंटेंट डालूं, जैसे कि पबजी के टाइम बहुत क्रेज था, जो डाल रहा था उसको सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे, मेरे भी बहुत डालने की मन था, लेकिन मेरे पास बहुत सस्ता सा फोन उसके अंदर नहीं हो पाता था। ये मतलब मैं मिस करता था यार, कि मैं मतलब बस ये चीज़ क्यों नहीं है, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं क्या क्या अचीव कर लेता। ठीक है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं थी। फैक्ट मैंने उस टाइम 2020 के अंदर मैं मतलब गेमिंग चैनल को स्टार्ट कर ही दिया था, टॉप 10 गेम्स एंड छोटी मोटी गेमिंग न्यूज़ डालना स्टार्ट कर दी थी। एंड देन 2021 आया, 2020 का था, मैं थोड़ा ऑन ऑफ ही हो रहा था, मैंने ठीक से वीडियो, जैसे 2021 आया अगेन लॉकडाउन आया, 10 डेज का लॉकडाउन था, तो मैंने सोच लिया था कि इस 10 डेज के अंदर मेरे चैनल को ग्रो करना ही है, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया, मेरे को उल्टा कोविड हो गया उस टाइम पे। कोविड पॉजिटिव आ गया मैं, तो मैं क्वारंटीन था, तो भाई मतलब क्या ही सीन चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन 28 अप्रैल 2021 को मेरे को हुआ था कोविड, लेकिन मैंने ठान लिया था कि भाई मेरे को भी एक साल का चैलेंज करना है, जो सौरव जोशी ने करा, तो 365 डेज = 365 वीडियो, ये चैनल मेरे को भी करना था। ठीक है, तो मैंने ठान लिया था कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है, भाई कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट करी, मेरे को वॉइस वगैरह बहुत दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे बिकॉज ऑफ कोविड, एंड जैसे जैसे महीने भी और टाइम निकलता गया, कुछ वीडियोस में व्यूज आने लग गए वीडियोस में, एंड देन कभी टाइम मिलता था नहीं मिलता था, क्योंकि मैं घर पे ही रहता हूँ। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो मेरे एक शॉप भी, मेरे को वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, और मेरी स्कूल्स भी थी 11th के, मेरे कोचिंग्स भी थी 11th की, सब नया नया था, मेरे को सब नया स्टार्टअप करना था, मतलब सब मेरे को अटेंड करना बहुत मुश्किल होता था। मैं स्कूल से आता था लगभग 2 बजे, और 2 बजे आते मैं भाग के घर पे आता, सबसे पहले बैग फेंक के मैं ऊपर आके वीडियो बनाता था, वीडियो में वॉइस ओवर कर लेता था, फिर नीचे आता था, फिर फटाफट खाना खा के मैं भाग जाता था, 2:15 बजे निकल जाता घर से, फिर रास्ते में मैं वॉइस ओवर को जो एडिट पर लगाता था और वीडियो को अपलोडिंग पर लगाता था, 2:30 बजे मेरी बायो की कोचिंग होती थी, और मैं ऐसे करके वीडियोज अपलोड करता था। ठीक है, मैं वो फिर मैं 6 बजे क्लासेस से फ्री होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की नॉन स्टॉप क्लासेस चलती थी, फिर 6 से मैं शॉप पर जाता था, फिर 9-10 वहीं बच जाती थी, फिर मैं रात को घर पे आता था, फिर कंटेंट ढूंढता, कभी कभार मैं थक जाता तो मैं वो कंटेंट में नहीं ढूंढ पाता, तो वो बात कल पर चल जाती, तो बहुत ज़्यादा मतलब भरण मची हुई थी ज़िंदगी में। मैं सोच रहा था भाई कुछ तो रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ों के, घर वाले कभी भी सपोर्ट नहीं किया, घर वालों ने, सब मेरे को ही मैनेज करना पड़ता है, सपोर्ट थोड़ा है, कोई मोटिवेट तक नहीं करता इधर तो, लेकिन हाँ भाई धीरे धीरे करके मैनेज करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी भी भाई मतलब बहुत दिक्कत से ये वीडियो बन रही है, क्योंकि मैंने सोचा था अच्छे से आपको स्टोरी टाइम वीडियो बना के दूंगा, लेकिन भाई बहुत वो जल्दी उठ के आज वीडियो वो भी मेरे को निपटाने हैं, इस वजह से ये वीडियो भी बहुत मतलब स्पीड में बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ ना, महीने बीतते गए, एंड देन मेरी एक वीडियो जो है वो थोड़ी सी वायरल जाने लग गई, टॉप 5 गेम्स लाइक वॉरजोन मोबाइल, जिसके ऊपर 9-10 हज़ार अराउंड व्यूज़ है, लेकिन सब्सक्राइबर कुछ नहीं आया यार, मतलब मैं काम करता गया, और लेकिन जो मेरे को रिजल्ट्स थे वो मैंने फेस गेम स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा पैसे खर्च करना चालू करे, ग्रीन मैंने ब्लैक स्क्रीन ली, मैंने थोड़ा स्टूडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा अलग ट्राई करने की कोशिश करा, थोड़ा गेम प्ले वीडियो चलाना स्टार्ट करी, क्योंकि मस्त अच्छा फ़ोन आ चुका था उस टाइम पर, तो मैंने वो सब चीज़ें करना स्टार्ट करी, थोड़े थोड़े व्यूज़ आने वाले स्टार्ट हो गए थे, 50, 100, 200, 100, 200, लेकिन जो सब्सक्राइबर थी, जो नीच थी, वो मेरे को नहीं मिली। एंड देन साथ साथ में मेरा एक सेकंड चैनल भी है डेंजर गोकू के नाम से, जो मैंने प्योर गेम प्ले के नाम से रखा हुआ है, मतलब वो डेड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया था इस चैनल के लेकर कि उस टाइम मैं गेम प्ले नहीं डाल पा रहा था। अभी तो मैं उस पर कंसिस्टेंट हो गया हूँ, लेकिन मैं पहले उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, तो जैसे करके सबको मैंने मैनेज किया, सब सॉर्टेड किया, और उसके बाद
टाइम निकलता गया, ठीक है। एंड देन फिर आया नवंबर, अक्टूबर नवंबर का महीना। एंड देन उस टाइम थोड़ा अच्छा मैं कंसिस्टेंट हो गया था, मेरे को आदत पड़ गई थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके रात को थोड़ा ओवर टाइम करके मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मेरे को डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद भाई मतलब मेरी फिट फट के 64 हो गई। फिर मेरे को वीडियोज़ बनाने में दिक्कत आने लग गई, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना बैक टाइम था। लेकिन मैंने उस टाइम थोड़ा सा बिना वॉइस ओवर की वीडियोज़ भी डाली थी, मेरे को भाई कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे, जो चैलेंज है वो कंप्लीट करके ही रहेंगे। क्योंकि सौरभ जैसे कि अगर इतने मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं, इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, तो भाई मेरे तो हज़ार तो होंगे सही ना। लेकिन नहीं हो पाया यार, सितंबर है मेरे हो चुके थे, मेरे बर्थडे के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। मैंने सोचा था कि वो उस टाइम भी एक दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन भाई अभी अप्रैल चल रहा है अभी, और अराउंड हो चुके हैं 6-7 महीने अभी तक ना 2K हुए हैं ना उस टाइम कंप्लीट हुआ है। अभी एड्स वाली जो अर्निंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, दूसरी चीज़ से मैं थोड़े मोटे निकाल लेता हूँ अलग से एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह से। लेकिन हाँ इस चीज़ में नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि मेरे एड्स नहीं आ पाते हैं, और ना ही वो टाइम मिल पा रहा है, ना मैं बड़ी वीडियोस बना पा रहा हूँ, मतलब फटी पड़ी है भाई। आज है 28 अप्रैल, आपके सामने मैं आ चुका हूँ। आज ये चैलेंज मैंने कंप्लीट करके दिखाया है, मतलब हाँ भाई कुछ इतना खासा अचीव नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ इतना खुद से कह सकता हूँ कि भाई मैंने 1 साल लगातार वीडियोज़ डाली है। बंदे नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ मैंने कुछ तो अलग किया है। मेरे से जितना हो सकता था, जितनी कोशिश मेरे से हो सकता, मैंने सब कुछ करी। मैंने क्वांटिटी दी है आपको, आपको क्वालिटी भी दी, जो भी चाहिए आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। बदले में सब्सक्राइबर नहीं मिले। होप करता हूँ कि मैं ऐसे ही मेहनत करूँ, आपकी गुड विशेस चाहिए, और ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े। और दैट्स फॉर ऑल द वीडियो, जो भी मेरी स्टोरी थी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में फास्ट फॉरवर्ड में समझा दी, और थैंक यू आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, तुम्हारी इच्छा है आज तुम्हारे ऊपर छोटा ना, तुम्हारी इच्छा हो तो लाइक कर देना, और तुम्हारी इच्छा सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता रहूँगा आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय।